हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजे क्लास में। बिहार दरोगा का जो परिणाम आने वाला था, जो कि 1717 पदों पर एप्लीकेशन लेने के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारी धांधली हुई थी, जो कि फ्रेंड्स इसका जो फैसला जो हाई कोर्ट में चला गया था, तो फ्रेंड्स उसी को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आई है आज की। जी फ्रेंड्स, जो कि 1717 पदों पर बहाली होने वाली है दरोगा के लिए बिहार पुलिस में, तो फ्रेंड्स उसको जो है हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है। और जो रिजल्ट का जो घोषणा है, जो फैसला आएगा हाई कोर्ट का, वो 1 मार्च को आएगा। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा फुल डिटेल्स क्या है बिहार दरोगा के परिणाम को लेकर यहाँ पर न्यूज़। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है पूरा मामला और ये फैसला कब तक आएगा। और फ्रेंड्स ये बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो है रद्द नहीं हुआ है, क्योंकि इसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है 1 मार्च को। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं हम फुल नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल सके सबसे पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, दरोगा बहाली परिणाम 1 मार्च को जो है फैसला आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, दरोगा बहाली पर जो परिणाम का फैसला 1 मार्च को आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर सुबह में 1717 दरोगा बहाली के मामले में जो है पटना हाईकोर्ट 1 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना हाईकोर्ट जो है 1 मार्च को यहाँ पर फाइनल कर देगा, फुल एंड फाइनल यहाँ पर क्या होने वाला है। सोमवार को जो है मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो है फैसला बिल्कुल आ चुका है, लेकिन उसको जो है हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा है। इसके पूर्व सभी पक्षों की ओर से अपने अपने पक्षों में दलील दी गई। गौरतलब है कि एकल पीठ के आदेश को बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन की ओर से अपील दायर कर चुनौती दी गई थी, और जो 1717 दरोगा बहाली के लिए 16 सितंबर 2017 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें जो है समान श्रेणी की महिलाओं के लिए 539 पद तथा 892 पद समान कोटि के पुरुषों के लिए था, और 11 और 15 मार्च को 18 को दो चरणों में इसकी पीटी परीक्षा हुई थी, जिसमें कि 428,200 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें जो है 6,783 महिलाएं थीं, और जो पीटी का रिजल्ट 5 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पीटी का रिजल्ट आया था वो 5 जुलाई 2018 को ये जारी किया गया था, और 22 जुलाई तथा 5 अगस्त 2018 को हुई मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया था, जिसमें बोर्ड ने 29,359 छात्रों को सफल घोषित किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है पुलिस बहाली को लेकर बिहार सरकार ने सब कुछ एग्ज़ाम लेकर रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन उसमें कई लोगों ने क्लेम किया है, उसी को लेकर जो है फैसला अभी पटना हाईकोर्ट में लेकर के आने के बाकी है, और उसका जो है फैसला आकर के सुरक्षित रख लिया गया है, जिसका फैसला कि 1 मार्च 2019 को आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग का जो इंतज़ार है वो जल्द ख़त्म होने वाला है दरोगा बहाली को लेकर। फ्रेंड्स तैयार रहिए ज्वाइनिंग के लिए, आप लोग के पक्ष में ही आने वाला है, बहुत ही बड़ा फैसला है ये। फ्रेंड्स जैसे ही आता है कोई फैसला मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।